सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ा में एनएसएस इकाई के 7 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शुभारंभ फर्स्ट पंचायत के प्रधान रीना रानी के द्वारा किया गया। इस कैंप में स्कूल के 30 लड़के बस 27 लड़कियां भाग ले रही हैं। इस दौरान रीना रानी ने स्वयंसेवियों को अनुशासन के महत्व के बारे में बताया। वहीं पूर्व वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी अनिल शर्मा ने स्वयंसेवियों को एनएसएस के इतिहास, सिद्धांत, वाक्य तथा लक्ष्यों व उद्देश्यों के बारे में बताया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ा जिला हमीरपुर एनएसएस इकाई का वार्षिक कैंप आरंभ हो चुका है, जिसका उद्घाटन रीना रानी प्रधान ग्राम पंचायत फर्स्टे द्वारा किया गया। पहले दिन स्वयंसेवियों ने विद्यालय प्रांगण की साफ सफाई की। दूसरे दिन विद्यार्थियों ने स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़ा बाजार से होते हुए फर्स्टे गाँव तक रैली निकाली। उसके बाद फर्स्टे गांव के एक रास्ते की सफाई की तथा रख रखाव किया। तीसरे दिन स्वयंसेवियों ने फर्स्टे पंचायत में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली निकाली तथा फर्स्टे पंचायत के कार्यालय के प्रांगण की साफ सफाई भी की। पंचायत प्रधान रीना रानी ने स्वयंसेवियों को जीवन में अनुशासन के महत्व के बारे में बताया। पूर्व वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी अनिल शर्मा ने स्वयंसेवी को एनएसएस के इतिहास, सिद्धांत, वाक्य तथा उद्देश्यों व लक्ष्य के बारे में बताया। इस कैंप में 30 लड़के तथा 27 लड़कियां भाग ले रहे हैं। इस कैंप का छठा दिन यानी शनिवार का दिन योगा के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ाने के लिए, योगा की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए रैली आयोजित की जाएगी। बड़ा और फर्स्टे पंचायतों के गाँव के में जाकर के बच्चे स्वयं से भी लोगों को जागरूक करेंगे और शाम के ही समय एकेडमिक सेशन में श्री आर के धीमान जी, जो कि एक समाज सेवी हैं, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद विभिन्न समाज उपयोगी गतिविधियों में लगे रहते हैं, वो बच्चों को योगा के बारे में जानकारी देंगे। और इस 7 दिवसीय कैंप का समापन 17 तारीख यानी रविवार को होगा। उसमें इस इलाके के लोकप्रिय समाज सेवी डॉक्टर राजेंद्र पटियाल जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस 7 दिवसीय कैंप में जो बच्चों ने विविध गतिविधियां की हैं, सुबह 5 बजे उनकी दिनचर्या शुरू होती है, प्रभात फेरी, व्यायाम, योगासन करने के बाद किसी कार्यस्थल पर जाकर के ये कार्य करते हुए लोगों को उनके जीवन से संबंधित विभिन्न बातों के बारे में जागरूक करते हुए और अकैडमिक सेशन के जरिए जो कुछ भी सीखने को मिला है निश्चित रूप से विद्यार्थियों के जीवन को बदलने में एक अहम भूमिका निभाएगा।